एवरीवन वेलकम बैक टू एसकेमानी के सनवा बैक अगेन विद अनदर वीडियो ऑफ माइंड एंड आज का जो हमारा वीडियो है दैट इज रादर मैथमेटिक्स नॉट फिजिक्स एक्चुअली एंड ये जो हमारे पास टॉपिक है मैथमेटिक्स का दैट इज द काइंड ऑफ मेथड ऑफ इंटीग्रेशन एंड ये जो मेथड है इंटीग्रेशन का ये ऑफन हमें फिजिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करता है. सो व्हेनेवर यू हैव दिस काइंड ऑफ लेट्स से इंटीग्रेशन लेट्स से फॉर इंस्टेंस हम लोग ये लेते हैं कि आपको क्या इंटीग्रेट करना है 1/√(1−x²dx) इस चीज का इंटीग्रल फाइंड आउट करना है. तो इस काइंड के इंटीग्रल्स में ऑफन जो हम लोग टेक्निक्स यूज करते हैं इट विल बी मोस्ट बेनिफिशियल कि इस काइंड के जो प्रॉब्लम्स है वो कैसे सॉल्व करें इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करें. अब डिफरेंशिएशन बाय सब्स्टिट्यूशन हमें आते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन हम लोग कैसे करते हैं दैट इज वॉट विल बी मेनली डिस्कसिंग एंड ये बहुत ही सिंपल अप्रोच है एंड ये ऑफन स्कैन के प्रॉब्लम्स में आपको क्विकली एक आंसर दे सकता है. तो यहाँ पे बेसिकली आप क्या बस करो कि ये जो आपके पास जो भी वेरिएबल है जिसके भी रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है इसे आप एक ट्रिगनोमेट्रिक फंक्शन से रिप्लेस कर दो. इसे आप बस एक ट्रिगनोमेट्रिक फंक्शन से रिप्लेस कर दो. नाउ व्हाट ट्रिगनोमेट्रिक फंक्शन यहाँ पे आप कॉस एक्स भी रख सकते हो साइन एक्स भी रख सकते हो टैन एक्स भी रख सकते हो. सो व्हाट एवर ट्रिगनोमेट्रिक फंक्शन यहाँ पे हम लोग एक सिंपल सा अप्रोच यूज करेंगे. व्हाट वी शुड डू इज कि मान लो इसे आपने साइन एक्स रख दिया साइन एक्स नहीं सिंस ट्रिगनोमेट्रिक फंक्शन तो इस यहाँ पे एक दूसरा वेरिएबल भी कंसिडर करना पड़ेगा तो साइन ऑफ अनदर वेरिएबल वाई है. अब ये जो वेरिएबल है हमारे पास एक्स दैट इज साइन ऑफ अनदर वेरिएबल वाई ऑलराइट. अब यहाँ पे आप अगर x स्क्वेयर को देखते हो सो दिस शुड बी इक्वल टू साइन स्क्वेयर वाई 1 − x² तब बेसिकली कितना होगा 1 − sin² y होगा जो कि किसके इक्वल होता है क्लियरली cos स्क्वेयर x के इक्वल होता है बिकॉज एवरी वन नोज की cos स्क्वेयर y प्लस साइन स्क्वेयर y शुड बी इक्वल टू 1. मतलब आपके पास क्या है कि जो 1 − sin² y है वो cos स्क्वेयर y के इक्वल होता है. तब यहाँ पे आपको पता है कि 1 − x² आपने क्या लिखा cos स्क्वेयर y लिख दिया. अब आपको पता है कि जो √(1 − x² होगा ये किसके इक्वल होगा √(1 − sin² y √(cos² y दैट इज cos y. मतलब ये जो आपके पास टर्म है इसको एज अ होल आपने किससे रिप्लेस किया से आपने cos y से रिप्लेस कर दिया. तो यहाँ पे इस पूरे टर्म को आपने cos ऑफ y से रिप्लेस कर दिया व्हेन यू हैव अस्यूम कि x इक्वल्स sin ऑफ y. अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि dx आपके पास है सिंस x तो आपने sin ऑफ y लिखा है तब यू नो कि dx बाई dy इसे डिफ्रेंशिएट करो y के रेस्पेक्ट में cos y होगा मतलब dx शुड बी इक्वल टू cos y dy. सो यू नो ओवर हियर कि अब इस इंटीग्रल को आप कैसे लिखोगे इट द इंटीग्रल ऑफ 1 − cos y × cos y dy. यहाँ पे डिफरेंशियल को भी हम लोग रिप्लेस करें डिफरेंशियल को रिप्लेस करें क्योंकि तभी तो इंटीग्रेशन होगा. कॉस वाई से कॉस वाई कैंसिल हो गया दिस इज द इंटीग्रल ऑफ डी वाई. इंटीग्रल ऑफ डी वाई क्या होगा वाई प्लस में सी हो जाएगा आपने कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ पे ऐड कर दिया. तो यू कैन सी कि क्लियरली कितना सिंपल एक फाइनली फंक्शन मिल रहा है जस्ट अ सिंगल वेरिएबल एडेड विद द कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. ये y है क्या सिर्फ आप यहाँ पे किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो लेट्स से इन फिजिक्स में जहाँ पे कोई ऐसा इंटीग्रेशन आ गया या फिर मैथ्स का कोई प्रॉब्लम है तो क्लियरली आपको अपना आंसर उन्हीं वेरिएबल्स के टर्म्स में रिपोर्ट करना पड़ेगा जो कि आपके पास यहाँ पे इस फंक्शन में इस बेसिकली इंटीग्रेशन में ऑलरेडी है नॉट वॉट वेरिएबल्स यू हैव एक्चुअली अस्यूम. तो इस चीज को इसके टर्म्स में रिलेट करें x तो हमारे पास साइन y था मतलब आपके पास है कि y किसके इक्वल होना चाहिए साइन इनवर्स ऑफ x के इक्वल होना चाहिए. तब आपने y को किससे रिप्लेस कर दिया y को हम लोगों ने रिप्लेस किया साइन इनवर्स ऑफ x से. मतलब आपके पास हो गया ये जो फाइनल आपके पास इंटीग्रल की वैल्यू आएगी दैट इज साइन इनवर्स x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. तो आपके पास ये जो हमारे पास इंटीग्रेशन था ये जो फंक्शन था जिसे इंटीग्रेट करना था हम लोगों ने एक सिंपल सा आंसर यहाँ पे ला दिया यूजिंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाई सब्सटीट्यूशन. यहाँ पे इट रियली हेल्प्स जब इस वेरिएबल को आप किसी ट्रिगनोमेट्रिक फंक्शन के बेसिकली रिस्पेक्ट में लिखते हो ट्रिगनोमेट्रिक फंक्शन से रिप्लेस करके लिखते हो बिकॉज व्हेन यू डू दैट ट्रिगनोमेट्रिक फंक्शन के जो रिलेशंस होते हैं वो एक दूसरे से दे आर ऑफन वेरी सिंपल एंड ईजी टू मैथमेटिकली हैंडल. जैसे यहाँ पे आपके पास
वन माइनस एक्स स्क्वेयर था, तो अगर मैं यहाँ से देख सकता हूँ कि x को मैंने साइन y से रिप्लेस किया, तो क्लियरली ये जो पूरा टर्म है ये कॉस स्क्वेयर y ही आ जाएगा। सो दैट यू कैन सी कि क्लियरली हम लोग कितना इजिली कोई भी ऐसा काइंड का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, इंटीग्रेशन सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। दैट वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। मैंने थैंक्स फॉर वाचिंग।